सो गाइस, मैं ना के आ चुकी हूँ, फ्रेश अप हो चुका है मेरा। तभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या क्या खा रही हूँ आइए दिखाती हूँ। आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? मैं ये नमू है। हाँ, चाचा को ये आप कॉपी आते देगा कॉपी गाइड गाइड मैं आपके लिए लाले गाइड लाले हाँ मैं लाले गाइड गेट मैं लाल करते हुए आपके नेम को काटा गाइड हम अब तो काजे देखो यार तो काजे मत आइए ये तो लोग बात को मत करो मैं अब उन भी ने को हायर तो हायर शुरू अपन निकाल गार गार्फ्रेंड गार्फ्रेंड हाँ गार ये ये पान चाट। सो गाइस, मेरी जो ब्रेकफास्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो और जो भी काम थे वो भी मैंने कर दिया, सब मतलब सारा काम हो चुका है मेरा। तो अभी मैंने गैस पे चढ़ा के आई हूँ दाल, वो हो जाएगा, फिर मैं बनाऊँगी चावल। उसके बाद सब्जी मैंने बनाऊँगी, नहीं बनाऊँगी, मैं जाऊँगी रेस्ट करने। रेस्ट कर भी सकती हूँ, नहीं भी नहीं तो फिर मैं पढ़ाई करने बैठूँगी। तो कैसा जा रहा है आप लोग का दिन? आप लोग क्या क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? कैसा क्या मतलब अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो? वैसे भी तो अभी लॉकडाउन के टाइम में तो सारे जितने भी फैमिली मेम्बर है सब तो घूमते ही रह गए, लेकिन हंसी मजाक ऐसे नहीं कि मतलब भाई बहन में झगड़ा हो गया फिर ऐसा वैसा। तो अच्छे से रहो, हंसी मजाक खुशी, और अभी के टाइम में तो खुशी बाँटो और खुश रहो, खुद को भी खुश रखो, खुद दूसरे को भी खुश करो। तो बस यही है, और प्लीज़ अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ, तो मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। सो हे गाइस, मैं बना रही हूँ अभी लंच। अभी बज रहे हैं 1:00, तो गुड आफ्टरनून। तो मैं अभी बना रही हूँ लंच, तो फटाफट मैं लंच कंप्लीट करके आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ओके, सो गाइस, मेरा जो लंच था वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी जा रही हूँ छत, क्योंकि मौसम क्या हुआ। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ नीचे, तो चलिए जल्दी चलते हैं। तुझे क्या पता है ना चलना। सो मैं अभी फाइनली रूम में हूँ। So guys, finally I'm in your room, make up a little bit.
सो गाइस फाइनली मेरा लंच कंप्लीट हो चुका है। सॉरी मैं अपनी लंच दिखाने के लिए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैंने फिनिश किया और इतना खा ली हूँ कि अब हिल भी नहीं पा रही। मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, फिर मिलती हूँ मैं आपको इवनिंग के टाइम में। हे गाइस गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं इवनिंग के 5। तो अभी दीदी बना रही है बूंदे, तो आधा प्रिपरेशन तो रेडी हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना रही है दीदी। तो चलिए। सो हे गाइस देखिए दीदी यहाँ पे ली है बेसन एक कटोरे पे और इसमें दी है फूड कलर, ये येलो वाला है ना, ये येलो वाला है, ये येलो वाला है और यहाँ पे है एक ये पिंक मतलब सॉरी रेड वाला है। तो दो टाइप जो होते हैं ना मिला के वैसा बनाने वाली है। तो इसे दीदी अभी मिला लेगी अच्छे से। कुछ नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ बेसन और फूड कलर है, कुछ भी नहीं। और हमारा जो ऑयल है गर्म हो रहा है, तो हम लोग फटाफट इसको देंगे ऑयल में। देखिए फ्रेंड दीदी ऐसे करके दे रही है। सो गाइस देखिए देख सकते हो मैंने दो कलर के बनाए हैं, मैंने नहीं दीदी ने बनाए हैं, कितनी मस्त तरीके से बनी है। इसे एक पेपर में डालिएगा, इसको ठंडा होने के लिए देंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गर्म है ना, तो इसीलिए अभी चाशनी में नहीं डालेंगे क्योंकि अगर गर्म डाल दोगे चाशनी में तो आपका ये बूंदे चुप चुप। सो गाइस ये रहा मेरा जो चाशनी है, मेरा जो हम गुलाब जामुन बनाए थे उसका जो चाशनी था वो बच गया था, तो मैं उसी में और चीनी ऐड करके मैं थोड़ा सा चाशनी बनाऊंगी क्योंकि मेरे जो बूंदे हैं वो थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। अब मुझे ड्राई वाला जो सूखे होते हैं वैसे बनाना है। तो ये चाशनी रेडी होगी, उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। सो गाइस मेरा जो चाशनी है वो रेडी हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए दे रही हूँ। तो ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद फिर मैं इसमें बूंदे ऐड करूँगी। आप इसमें फ्लेवर भी डाल सकते हो, सौंफ भी दे सकते हो, इलायची भी दे सकते हो। तो गाइस मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, अभी इसको मिक्स कर रही हूँ। এখন এটা আধা ঘন্টা বাদে খাবে। গিলগিল গা গিলগিল গা গিলগিল গা
मेरी तो सारी बूंदी बन चुकी है एंड मैं अभी यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आज के लिए गुड नाइट फ्रेंड्स, आई लव यू, बाय। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल mithu.bunu। सो बाय।